वही जेल डीजी जीपी सिंह सोमवार को ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे और उन्होंने यहां ग्वालियर सेंट्रल जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां केंद्रीय कारागार ग्वालियर से जुड़े सभी बड़े सरकारी और जेल पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने के बाद डीजी जीपी सिंह ने बताया कि मैंने ग्वालियर सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर जेल में बंद कैदियों से भी मुलाकात की है। केंद्रीय जेल ग्वालियर का निरीक्षण किया, यहाँ पे कैदियों से बात की और जैसे जो है हम लोग चाह रहे हैं कि जेल का थोड़ा कंसेप्ट परिवर्तित हो। कंसेप्ट परिवर्तित होने से अभिप्राय ये है कि उसको सुधारात्मक के रूप में ज़्यादा देखा जाए, दंडात्मक के रूप में कम देखा जाए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नए कानून प्रभावी होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं जो IPC है वो अब भारतीय न्याय संहिता बन रही है और जो CRPC है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई है। तो ये जो ब्रिटिश पीरियड के जो कंसेप्ट थे, ब्रिटिश पीरियड के जो कानून थे, उनको जो है अमूलचूल परिवर्तन करके नया स्वरूप दिया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जेल को भी अब नया स्वरूप देना है। ये सुधारात्मक के रूप में ज़्यादा रहेगा, दंडात्मक के रूप में कम रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरा मन स्थिति भी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार ने भी आध्यात्मिक प्रोग्राम के माध्यम से जो एक प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करना या शुद्धिकरण करने पे विशेष प्रयास किया जा रहा है।